फिर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास भी वायरलेस माउस है और आपका वायरलेस माउस काम नहीं कर रहा है आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो। आइए जानते हैं। तो सबसे पहला तरीका है, आप अपने कंप्यूटर यानी अपने सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए, शायद इसके बाद आपका जो माउस है काम करने लग जाएगा। पर इससे काम नहीं बनता है तो दूसरा तरीका जो ज़्यादातर लोगों को देखने को मिलता है प्रॉब्लम, इस तरीके में आपका जो यूएसबी पोर्ट है, जहाँ पे आपका जो यूएसबी रिसीवर लगा हुआ है जो माउस के साथ आया था, उसे किसी और यूएसबी पोर्ट में लगा दीजिए। आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में 3 से 4 यूएसबी पोर्ट होंगे, आप उसे किसी और में लगा के देखिए, आपका जो माउस है काम करने लग जाएगा। फिर तीसरी चीज़, शायद आपको जब माउस की बैटरी है वो ख़राब हो गई हो, तो आप अपने माउस की बैटरी चेंज करके देख सकते हैं। तो आपको इसे खोलना है और देख सकते हैं, अगर आपकी बैटरी करीबन 3 या 4 महीने हो गए हैं तो आपको उसे चेंज करना पड़ेगा। मिनिमम 3 से 4 महीने चलती है, अगर आपकी ज़्यादा हो गई है तो आप उसे चेंज कर लीजिए। और चौथी चीज़, ये आपके को जो बटन है ऑन ऑफ वाला, शायद इसमें दिक्कत कर रहा हो, तो आप इसे अच्छे से यूज़ करिए, इसे अच्छे से ऑन करिए और अपनी जो बैटरी है वो टाइट तरीके से लगाइए। किसी किसी माउस में जो एकदम सस्ते माउस होते हैं उसमें जो ये बैटरी है वो हल्का सा हिलाने पे बैटरी निकल जाती है, लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से माउस काम नहीं करता है। तो आप ध्यान दीजिए इन बातों का जो जो बताया है मैंने, फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, कई लोग इसे बहुत दूर से इस्तेमाल करते हैं, उनका कंप्यूटर या लैपटॉप तो कहीं और होता है पर वो अपने माउस को कहीं दूर से इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको कम से कम अपने यानी 10 फुट तक दूरी तक ये हो चलता है, तो आप इसे कम से कम दूरी से इस्तेमाल करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।